हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज है संडे और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक खूबसूरत सा आलता डिज़ाइन। बहुत ही इजी है क्योंकि सावन आ गया है और हर दिन आलता लगना है, या फिर आप अगर सोमवार करते हो तो लगना है। तो ऐसे में आलता बहुत ज़रूरी है पैरों में लगाना। तो मैं ऐसे ही डिज़ाइन लेकर आई हूँ ना, जो झटपट लग जाए और थोड़ा सा डिज़ाइन भी लग जाए, मतलब झटपट वाला आलता डिज़ाइन। तो मैंने सुबह ही कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया था दो फोटो, दो इमेज मैंने डाल दिए थे ताकि आप लोग देख लो कि हाँ, मैंने आलता लगा ली अपने पैरों में और बस आ ही जाएगी शाम में। तो ये वीडियो मैंने लगभग ना 11-12 बजे मतलब शूट की थी, क्योंकि उधर एक हफ्ते तो मैं बीमारी थी, तो सोची कि चलो कब फुर्सत मिलता है, इधर बीच मुझे टाइम नहीं मिला, तो आज मुझे टाइम मिला। तो आज ही संडे है और आज ही आलता की वीडियो मैंने बनाई है, मतलब वीडियो भी रिकॉर्ड की हूँ, शूट भी की हूँ आज ही, और आज ही एडिटिंग भी की हूँ, आज ही अपलोड भी की हूँ, आज ही आपके सामने पेश भी कर दी हूँ। तो ऐसा है ना दोस्तों कि मेरे चैनल पे हर संडे आलता की क्लास आते हैं, हर संडे आपको मैं कुछ ना कुछ आलता की वीडियो लाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, या तो मैं भूल जाती हूँ तो ही संडे को नहीं अपलोड हो पाती है, या तो फिर मैं बीमार हो जाती हूँ तो। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरी मतलब हफ्ते में एक बार आलता की वीडियो ना आई हो। हाँ, बीच में मैं शादी में बिज़ी थी, इसकी वजह से आलता की कुछ क्लासेस नहीं आ पाई थी संडे को, क्योंकि मैं भूल गई थी और फिर मैं मंडे को आप लोग को दिखाई थी, तो वो तो गलती से हो गई। लेकिन वीडियो मैंने हमेशा बनाई है, हर संडे आती है। तो अगर आप लोग मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं आलता लगाने के लिए, या मेरा आपको पसंद आता है, देखने के लिए आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी ऐसे ही आलता के अच्छे अच्छे डिज़ाइन सीखने के लिए, साथ ही आलता के बारे में जानकारियाँ पाने के लिए, साथ ही और भी आपको जानकारियाँ मिलती है मेरे चैनल पे, जैसे बिछिया से संबंधित, पायल से जुड़ा हुआ बात, नेल पॉलिश से, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा कि मैं जब भी नए नए वीडियो अपलोड करूँगी ना, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा और आप आराम से मेरे वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर पसंद आ जाए ना तो आप इसको अपने फैमिली के साथ या फिर फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, आइए मैं अब आपको कुछ बताऊंगी अपने बारे में जो कि आलता से जुड़ा हुआ है। तो आज संडे था, आज सुबह से मैं जल्दी जल्दी सारा काम वगैरह कर ली थी। जब सारे काम वगैरह कर ली तो उसके बाद फिर मैं सोची कि आज, तो फिर मैं सुबह से जल्दी जल्दी सारे काम वगैरह की, मतलब सुबह उठ के खाना पीना बनाई, सबको खिलाई पिलाई, नाश्ता वगैरह हो गया, बर्तन धुली, उसके बाद दोनों बच्चे को नहलाई, खुद भी नहाई, कपड़े वगैरह धुल ली, उसके बाद रेडी हो गई साड़ी वगैरह पहन के, क्योंकि उधर तो बीच तो मैंने सूट के साथ ही आपको वीडियो दी थी, साड़ी के साथ भी आपको आलता की वीडियो देती रहती हूँ। वैसे बता दूँ कि ये जो आलता है ना, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत साड़ी के साथ ही लगता है, इसलिए मैं सोचती हूँ ना कि साड़ी के साथ अगर आलता की वीडियो आपके सामने देती हूँ तो मतलब आलता का जो मतलब खूबसूरती है ना, वो दुगना हो जाता है। सूट के साथ ये सब मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये जो आलता है ना, वो सुहाग की निशानी है। ऐसे में सुहागिन महिलाएं अधिकतर क्या है, साड़ियाँ पहनती हैं, सूट बहुत कम लोग पहनते हैं। और जो सूट, जिन मतलब हिंदू धर्म में भी बहुत से लोग सूट पहनते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि उन लोग में साड़ी नहीं पहना जाता है, लेकिन साड़ी के साथ आलता बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो वही मैं सोची कि आज मैं साड़ी पहन लेती हूँ और साड़ी के साथ आपके लिए एक आलता डिज़ाइन बनाती हूँ। तो मैं वैसे जो आलता का डिज़ाइन है ना, सामने से भी आपको, जैसे कि मैं कंटिन्यू बहुत सारे और भी वीडियो में मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि जब मैं आलता वगैरह लगाती हूँ तो कैमरा ऊपर से होता है, बट आज मैं इस तरह से करती हूँ ताकि देख लो कि जब मैं आलता लगाती हूँ तो इसी तरह से छोटे से स्टूल में बैठ जाती हूँ, और बैठने के बाद इस तरह से मैं पैरों में आलता लगाती हूँ। तो हाँ, जो लोग नए हैं ना, जो लोग नहीं जानते हैं कि आलता कैसे लगाना चाहिए, किस तरह से लगाना चाहिए, ऐसे तो सबको पता होता है, लेकिन बहुत से लोग हैं ना जो नए नए शादी किए हैं, अभी नई नई शादी हुई है, तो उन लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं होगा आलता कैसे लगाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। सच बता रही हूँ, बहुत लोग को नहीं आता है कि कहाँ बैठ के आलता लगाएं, कैसे लगाएं। तो बता दूँ कि अगर आप आलता लगा रहे हो, या तो आप सादा फर्श पे भी लगा सकते हो, जैसे मैं लगा रही हूँ,
और लगाने के लिए आप एक छोटा सा, मतलब जो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, छोटा सा टेबल बोल सकते हैं, इस पे आप बैठ के लगाइए, या तो जो मैट होता है ना छोटा वाला उस पे भी बैठ के आप लगा सकते हैं। और जहाँ आपका पैर रहेगा वहाँ पे आप कोई पुराना कपड़ा रख ले, या तो फिर आप कोई भी मैट छोटा सा रख सकते हैं जिसमें आप पैर वगैरह पोंछते हैं ना, वो आप रख सकते हैं और आलता लगा सकते हैं। अभी गर्मियों में काफ़ी लोगों की शादी हुई है, ठीक है, अभी सावन आ गया है, लोग जो भी महिलाएं हैं ना नई नई शादीशुदा, वो लोग तो पक्का आलता लगाएंगे, मंदिर जाएंगे, और अगर मंदिर नहीं जाना है कोरोना में तो फिर घर में पूजा पाठ तो करेंगे तो आलता तो लगाएंगे ही। तो आलता लगाना कैसे है, पहले आपको छोटा टेबल लेना है, उस पर आपको बैठना है, आलता आप जो भी ले रहे हो उसको एक कटोरे में निकाल लेना है, कटोरे में, या अगर आप आलता लेते हैं तो उसी में आपको छोटा सा मिलता है कटोरे के जैसा, उसमें भी आप निकाल सकते हैं। लगाने का तरीका मैं बिल्कुल ही सिंपल बताती हूँ, मतलब हाथों से बेसिक, जो आप ना अपनी माँ को देखे होंगे अपने बचपन में कि माँ कैसे शुरू से, मतलब हर लोग देखता है, जैसे मैं भी छोटी से देखती हूँ कि मेरी माँ कैसे आलता लगाती है, मम्मी या नानी या बहुत सारे लेडीज़ लोग का यही होता है, बैठ के आराम से और ऐसे ही आलता लगाती है, उंगलियों से ही लगाती है। अब क्या है ना, अब के जितनी भी महिलाएं हैं या नई नई जिन लोग शादी हो रही है, उन लोगों को लगता है कि नहीं अगर मैं हाथों से लगाती हूँ तो हाथ गंदे हो जाते हैं या फिर लाल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ पता है, पर इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हाथ लगाकर और जल्दी से साबुन से या हैंड वॉश से आप धुल लीजिए, आपका कलर निकल जाएगा हाथों का। या तो आप इसके लिए आप स्टिक की मदद भी ले सकते हैं, जैसे आप एक स्टिक ले सकते हैं, या फिर माचिस की तिल्ली से भी लगा सकते हैं, या कॉटन बर्ड्स जो आता है उससे भी, जो मार्केट में मिलता है उससे भी लगा सकते हैं, या तो फिर ईयरबड्स जो आता है ना वो वाला मैं बात कर रही हूँ, जो कान साफ करने के लिए आता है उससे भी आप आलता लगा सकते हैं, इससे आपके हाथ गंदे नहीं होंगे। और दूसरा कि आप ये ना ईयरबड्स जो होता है उस टाइप से आप घर पे भी बना सकते हो, इसकी भी वीडियो मैंने काफ़ी सारी मतलब अपने चैनल पे अपलोड की है, अब तक मेरे चैनल पे 100 से ज़्यादा आलता डिज़ाइन आ चुके हैं, मतलब 100 क्लास में दे चुकी हूँ आप लोगों को, 100 से ज़्यादा ही है, इसका क्लास कौन सा है मुझे तो अभी याद नहीं है, लेकिन मैं इसमें लिख दूँगी, वैसे भी सारे आलता क्लास में मैं क्लास लिख देती हूँ कि कौन सा क्लास चल रहा है। तो आप चाहे तो घर में भी कॉटन बड्स बना सकते हैं, आपको लेना है एक माचिस की तिल्ली, और उस माचिस तिल्ली में आपको उसके छोर पे कॉटन रख देना है, कॉटन रख के उसको जो धागा होता है ना, धागा जिससे सिलाई होती है मशीन में, तो वो अंटी होता है, अंटी से आपको उस कॉटन को बांध देना है उस माचिस की तिल्ली में, इससे आपका कॉटन बड्स तैयार हो जाएगा, उससे भी आप आलता लगा सकते हो। और ये जो मैंने अभी मोटी सी डंटी ली है ना, मतलब ये स्टिक है थोड़ी मोटी है, तो इसमें भी आप कॉटन रख के और थोड़ा सा बांध सकते हो, इससे क्या है एड़ियों की तरफ लगाने में काफ़ी आराम रहता है। तो ये जो मेरा स्टिक है ना वो थोड़ा सा चपटा सा है, ये झाड़ू की सीख थी या पता नहीं किस चीज़ की थी, तो मैं ले आई, बट ये ना मतलब चिकनी नहीं थी, चपटी थी, जिसकी वजह से मेरा हाथ अच्छा से बैठ नहीं रहा था, तो मैं पतली सी डिज़ाइन तो लगा ले रही थी, बट मैं सोची कि नहीं पतली से अच्छी है कि मोटी लगाना, क्योंकि फिर बोल्ड रहेगा तो भी आपको दिखेगा, तो फिर मैं उसको रख दी और फिर मैं यहाँ हाथों से ही डिज़ाइन लगाने लगी। आजकल तो मैं जितने भी डिज़ाइन ला रही हूँ आप लोगों के लिए हाथों से ही मतलब लगाने वाला लेकर आ रही हूँ, क्योंकि हाथों से मुझे काफ़ी आसान पड़ता है, हाथों से मैं अच्छे से लगा पाती हूँ, और जो वो डिज़ाइन वाले होते हैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो दोस्तों आजकल तो मैं नॉर्मल सा ही डिज़ाइन लेकर आ रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं डिज़ाइन वाला आलता लेकर आऊँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्या मैं डिज़ाइन वाले मतलब महीन डिज़ाइन वाले लेकर आऊँ या नहीं, क्योंकि आप लोग तो कुछ बोलते हो नहीं, बस ये आप लोग बोलते हो कि हाँ अच्छा लग रहा है आलता डिज़ाइन, या फिर नेल्स अच्छे लग रहे हैं, बिछिया अच्छे लग रहे हैं, बस यही, लेकिन कोई आप लोग ये नहीं बोलते हो कि हाँ मैम डिज़ाइन इस टाइप का लेके आइए, डिज़ाइन उस टाइप का लेके आइए, आप लोग को ये सब भी बोलना चाहिए। तो अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो प्लीज़ आप लोग बताना कि कैसी वीडियो आप लोग को चाहिए आलता की। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो भी महिलाएं सुन रही होंगी कि अगर आप नई नवेली हैं तो आप कॉटन बड्स की मदद से, ईयरबड्स की मदद से लगा सकते हैं आलता, या कोई भी जो दातुन होता है ना घर में धोया जाता है उसमें भी आप कॉटन लगा दीजिए बड़ा सा, उसको भी रस्सी से बांध दीजिए अंटी से, और उसके बाद एड़ियों की तरफ उसको लगाने में काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब जो बेसिक लाइन होती हैं जो मैंने अभी एड़ियों में लगाए हैं, एड़ियों से पैरों में। और महीन डिज़ाइन के लिए आप इस तरह से माचिस की तिल्ली ले सकते हैं, यहाँ पे मैं माचिस की तिल्ली की मदद से दिल बना रही हूँ,
तो आप कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सोची ना कि आज एक लाइन खींच देती हूँ, उसके बाद उसमें ऐसे दिल बना के उसको ऐसे रस्सी की मदद से जैसे लटकता है ना वैसे ही लटका दे रही हूँ। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, प्यारा सा लग रहा था, तो मैं ये वाला आज डिज़ाइन लगाई। तो आपको ये वाला सिंपल सा आसान डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और यहाँ पे जो मैं टोज रिंग पहनी हूँ ना उसके बारे में बता रही हूँ, ये मैंने, सॉरी मैं नहीं बताऊँगी, इसकी वीडियो आप देख लेना, फिर मैं उसी में बता दूँगी तो भूल गए कि मुझे बताना नहीं है, इसकी वीडियो मैंने स्पेशल बना रखी है, तो चैनल पे आएगी तो आप लोग देख लीजिएगा। यहीं पे बैठ के मैंने टोज रिंग की ये वाली वीडियो भी बनाई है। थोड़ी सी वीडियो बनाने में मुझे यहाँ बहुत दिक्कत होती है, क्यों ना कि यहाँ पे पता नहीं पैर अच्छे से दिखते नहीं हैं, तो इसीलिए देखिए मैं डिज़ाइन भी लगा रही हूँ, अगर मैं नीचे पैर रखती तो डिज़ाइन दिखता नहीं, इसलिए मैं ऐसे लगा रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग जो भी नई शादी हुई ना, आप लोग आराम से बैठिए छोटे टेबल पे, चाहे जैसे मैं बैठी हूँ चेयर पे भी बैठ सकते हो, छोटे टेबल पे भी बैठ सकते हो, छोटे से मैट में भी बैठ सकते हो, बैठ के नीचे बैठ जाइए और आलता लगाइए। यहाँ तो मैं नीचे फर्श पे कुछ भी नहीं रखी हूँ, पुराना कपड़ा या कुछ भी आप चाहे तो रख लीजिए, इससे क्या होगा आपका फर्श गंदा नहीं होगा, और आपके पैरों में अगर आलता लगता है तो आलता थोड़ा बहुत चूने लगता है, मतलब टपकने लगता है टप टप नीचे से, तो टाइल्स वगैरह गंदा हो जाता है, फर्श जो भी, तो इससे क्या है ना ये सारी चीज़ें पुराने कपड़े में लग जाएगी, इससे जब भी आप जहाँ जहाँ चलते हैं वहाँ वहाँ आलता के निशान नहीं पड़ेंगे। नहीं तो ऐसा होता ना कि आलता लगाइए तुरंत महिलाएं चलने लगती हैं, इससे क्या होता है कि जहाँ जहाँ वो चलेंगी वहाँ वहाँ आलता लग जाता है, इससे फर्श गंदा हो जाता है। तो ऐसा खैर मेरे साथ भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, मैंने भी दूसरे लोगों को देखा है तो ही सीखी हूँ, तो ही आपको बता रही हूँ, नहीं तो जो मुझे पता है वो मैं आपको बताती हूँ, जो मुझे पता नहीं है वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। तो मेरे द्वारा दी हुई जानकारी शायद आप लोग को अच्छी लगती होगी, तभी तो कुछ लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, देखते हैं मेरा चैनल कंटिन्यू। और देखिए एक पैर में तो मैं डिज़ाइन लगा दी, अब दूसरे पैर में लगाने की कोशिश हो रही है, लगाने के लिए तो मैं डिज़ाइन लगा लूँगी, लेकिन यहाँ पे ये परेशानी हो रही है ना कि आपको ये डिज़ाइन देखना चाहिए कि कैसे मैं लगा रही हूँ, तो इसी के लिए मैं थोड़ा सा परेशान हो रही थी, कभी मैं टेबल को इधर कर रही थी, कभी मैं उधर कर रही थी कि कैसे करूँ कि आपको दिखे, बस ऐसे ही कर ली और यहाँ से मैं बना रही थी। हाँ इससे है ना कि आलता डिज़ाइन उतना दिखता नहीं है, इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है ना ये पार्ट वन है, और इसका पार्ट टू मैं जल्द ही लेकर आऊँगी नेक्स्ट डे। तो आज आप ये देख लो कि ये मैं कैसे कैसे आलता डिज़ाइन लगा रही हूँ, और लगाने के बाद जो डिफरेंट टाइप्स मैंने पोजेस किए हैं, और इसके साथ मैंने एक और लुक क्रिएट किया है, इसके साथ मैं एक ब्लू कलर की सैंडल मैं पहनी हूँ, तो वो उसके साथ भी ये आलता की वीडियो मैंने बनाई है, तो वो आप देखिएगा नेक्स्ट डे। तो ये पार्ट वन मैं कर दी हूँ, क्योंकि ये इतना लंबा खुद ही हो गया है 18 मिनट का, तो पार्ट टू आप देखिएगा नेक्स्ट डे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स प्लीज़, बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, आपको पता है इसके लिए मैं सुबह से तैयारियाँ की थी बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे होता है ना कि सारे काम वगैरह जैसे मैं बताई ना कि सुबह उठी नाश्ता बनाई सबको खाना खिलाई, उसके बाद बर्तन वगैरह धोले, उसके बाद बच्चों को नहलाई दोनों बच्चों को, उसके बाद उन लोग को तेल मालिश की, उसके बाद फिर कपड़े पहनाए, फिर उसके बाद मैं नहाई कपड़े धुले, ये सारा चीज़ जब हो गया फिर मैं अपनी बेटी को सुलाई, उसके बाद सभी मतलब अपने काम में बिज़ी हो गए, उसके बाद जब मेरी बेटी सो जाती ना फिर मैं आलता की वीडियो बनाने के लिए सारी तैयारियां करने लगी झटपट झटपट, क्योंकि मैं साड़ी तो पहन ली थी, जैसे कि हाथों में बैंगल्स पहनना, न्यू टोज रिंग पहनना, नेल पेंट लगाना, ये सारी चीज़ें करते करते ना मतलब आधा घंटा से ज़्यादा मेरा चला जाता है, उसके बाद बैठ कर मतलब करना कि हाँ कैसे कैसे पैर अच्छा लगेगा, कैसे ठीक दिखेगा नहीं दिखेगा, यही सब करते करते 1 घंटा, और फिर आलता लगाते जो समय बीतता है, लगाने के बाद फिर डिफरेंट टाइप पोजेस करने पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे परेशानी तब होती है ना जब मैं डिफरेंट टाइप्स पोजेस करती हूँ, उसके लिए क्या होता है कि मैं अलग अलग जगह जाकर उस लुक को क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ, जिसके कारण मुझे पंखे की हवा नहीं मिलती, जब मैं लगाती हूँ उस वक्त तो मैं पंखे में ही बैठती हूँ, इसीलिए आवाज़ जो है ना वो मैं बंद कर देती हूँ बैकग्राउंड का, क्योंकि पंखा चलते रहता है और
जब डिफरेंट टाइप्स लुक क्रिएट करने होते हैं तो मुझे अपने रूम से बाहर निकलना पड़ता है, चल के दिखाती हूँ, बैठती हूँ, या फिर बाहर धूप रहता है तो उसमें अच्छी खासी रोशनी आती है, तो उसके साथ अगर करना है तो मतलब थोड़ा सा हमें ही इतनी गर्मी है ना कि हालत ख़राब हो जाता है, इधर चल के जाना उधर चल के जाना, और अगर वीडियो अच्छी नहीं बनी तो उसको डिलीट करो, फिर से शूट करो, मतलब बहुत ज़्यादा इतना सब करने के बाद, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद फिर आपको एक वीडियो मिलती है, इतना एडिटिंग करने के बाद काट छाट के थोड़ा सा, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा काटती छाटती नहीं हूँ क्योंकि लगाने के शुरू से लेके अंत तक लगाने वाला प्रोसेस तो मैं पूरा पूरा आपको दे देती हूँ, कहीं से काटती नहीं हूँ। हाँ, कहीं ख़राब बन गया, ख़राब दिख रहा है तो वो कटिंग करती हूँ, लेकिन ऐसे मैं कहीं कटिंग वटिंग नहीं करती हूँ। बाकी तो आप देख ही रहे हो कि आलता लग के पूरा कंप्लीट हो गया है, तो चलिए आप लोग बताइएगा दोस्तों कि वीडियो कैसी लगी, है ना? तो फिर मैं नेक्स्ट इंतज़ार करूँगी कि कब सेकंड वाला बनाऊँ, तो फिर मैं आपके सामने पेश करूँ। तो अभी तो आज ही मैंने रिकॉर्डिंग की है, आज ही आपके सामने पेश कर रही हूँ। अब सेकंड पार्ट जो है ना वो मैं देखती हूँ, अगर टाइम मिल जाएगा तो कल भी कर दूँगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे करूँगी, 2 दिन बाद भी हो सकता है, तो जैसा टाइम रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करिए, बाय बाय, और मेरी वीडियो देखते रहिए, ठीक है?